क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ये दिखाना है। तो हमने पढ़ा था कि एक सर्कल होता है, ठीक है, और बाहर कोई पॉइंट होता है, वहाँ से अगर उसमें टेंजेंट बनते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, ठीक है, थ्योरम थी हमने हमारी, तो वही यूज़ होगी इसमें। तो इसमें क्या करना है हमें, तो ये ध्यान देना है कि जैसे हमें ए बी प्लस सी डी बनाना है, तो हमें ए बी बनाना है, तो ए बी कैसे बनेगा, ए पी प्लस पी बी, तो हमें इनको सीक्वेंस में लेना है। जैसे हमें पता है कि ए पॉइंट बाहर है तो यानी ए पी इक्वल टू ए एस होगा, ठीक है, तो हम नीचे क्या लिखें कि उससे ऐड होकर ए बी बन जाए, तो हम पी बी लिखेंगे पहले, ठीक है, तो ऐसे करेंगे। जैसे हमने लिखा ए पी इक्वल टू ए एस, ऐसा किया, ठीक है, ए पी इक्वल टू ए एस, अब उसमें हम क्या ऐड करें कि ए बी बन जाए, पी बी ऐड करेंगे, तो लिखेंगे पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि वो भी टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस में लिखना है, तो जब हम ऐड करेंगे बाद में तो हमारी लेफ्ट साइड बन जाएगी, अगर एक साइड हमने बना दी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, तो लिखते हैं ए पी इक्वल टू ए एस, पहले लिखते हैं ए पी इक्वल टू ए एस, रीजन लिख लेते हैं कि बाहर एक पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट बनते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो लिखते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एक रीजन लिख दिया काफ़ी है। अब देखो हमने ए पी को एस कर दिया, तो हम इसमें ए पी में क्या ऐड करें कि ए पी बन जाए पी बी, तो लिख सकते हैं इसको हम पी बी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, इसको वन ले लो, इसको टू ले लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगा, है ए पी और पी बी। अब हमें सी डी चाहिए, सी डी के लिए क्या चाहिए हमें, सी आर, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, सी क्यू के, रीजन सब में सेम आएगा, इसको थोड़ा ले लेते हैं। अब सी आर में क्या ऐड करें कि सी डी बन जाए डी आर, तो यहाँ लिखते हैं डी आर, डी आर किसके इक्वल होगा, डी आर, डी आर डी एस के इक्वल होगा, डी एस के, डी एस के इक्वल होगा, इसको ले लेते हैं फोर, रीजन चारों में सेम है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सेम रीजन, सेम रीजन लिखते हैं सेम, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, अब उसको ऐड कर देंगे हम, लिखेंगे ऐड वन टू थ्री एंड फोर, तो उसे क्या होगा, ऐड जब करते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से होता है, राइट वाला राइट से, तो लेफ्ट में क्या है ए पी, तो यहाँ लिखेंगे ए पी प्लस पी बी, पी बी प्लस सी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, अब राइट वाले ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर, सी आर प्लस डी एस, डी एस, ठीक है। अब देखो ए पी प्लस पी बी, अब देखो ए पी प्लस पी बी क्या बन गया, ए बी, तो यहाँ इन दोनों के बदले लिख देंगे ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा, सी डी, तो यहाँ आ जाएगा सी डी, लेफ्ट हमारी बन चुकी है, लेफ्ट हमें प्रूव करना था आ गया है, और राइट में हमें ए डी चाहिए, तो ए डी में देखो क्या आ रहा है, ए एस प्लस डी एस, तो यहाँ ए एस प्लस डी एस, इसको एक साथ लिख दो, ए एस प्लस डी एस, ठीक है, प्लस जो बचा है बी क्यू प्लस सी आर लिख दिया। अब देखो इसको मिलाओ, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बन गया, ए डी, तो यहाँ ले लेंगे हम ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू प्लस, एक मिनट, बी क्यू प्लस ये सी क्यू होगा, यहाँ पे सी क्यू है, सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू होगा, तो बी क्यू प्लस, एक मिनट डी एस ही है, क्या गलती होगी यहाँ पे, एक मिनट है, यहाँ था ए एस, ए एस हमने ऐड किया, ए एस बी क्यू, फिर सी आर डी एस है, सी आर डी एस, ठीक है, तो हमने ए एस और, ए एस और डी एस ले लिया, हाँ ये लिया हमने ए एस और डी एस, बी क्यू और सी आर, बी क्यू और सी आर, यहाँ कुछ पढ़ो, तो यहाँ गलती यहाँ हुई थी हमारी, सी आर इक्वल टू सी क्यू होना चाहिए, सी आर इक्वल टू, हमने सी आर ही कर दिया, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे सी क्यू होगा डी ए एस बी क्यू और यहाँ पे सी क्यू, ठीक है, तो यहाँ सी क्यू आ जाएगा। अब देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी, तो यहाँ ले देंगे बी सी, ठीक है, और लेफ्ट में क्या था हमारा, ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8।